नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉबविथ पीडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से मैं अपने सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.5 का प्रश्न नंबर 9 करेंगे। पिछले क्लास में हमने प्रश्न नंबर 8 कर लिए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से एक बार पहले वाली एक्सरसाइज जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे अगर आप पहली बार पधारे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि स्थापित करना है हमें। फर्स्ट हमें दिया गया है कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब के बराबर होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार हमें सेकेंड दिया गया है एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब बराबर में हमें स्थापित करके बताना है किसके बराबर होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों दोस्तों हमें क्या करना है, सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, एक तो होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों, बराबर किस साइड तो होती है, वो तो होती है लेफ्ट हैंड साइड, ये आपको ध्यान में रखना है। इस साइड होती है ना दोस्तों, वो क्या होती है राइट हैंड साइड। ठीक है, आप बोर्ड की तरफ इस प्रकार आप देख लीजिए, ये तो मेरा दायां हाथ है, यानी कि लेफ्ट राइट हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, यह मेरा दाहिना हाथ है इस तरफ, यानी राइट हैंड साइड हो जाएगी। सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको ये बनाने की कोशिश करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, सिंपल इसका मीन्स क्या है कि ये मान इससे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। दोनों के बीच में ब्रैकेट है, यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है, यानी ये मान क्या हो रहा है, इससे गुणा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले हम एक्स का गुणा इससे पूरे से करते हैं, यानी कि एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर से होगा तो एक्स क्यूब बन जाएगा। फिर ये माइनस का सिंबल इसके आगे किसका है, प्लस का सिंबल, तो यानी फाइनल क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये एक्स का गुणा एक्स से होगा तो दोस्तों कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और वाई का हम वाई लिख देंगे। यहाँ पे भी दोस्तों प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये एक्स का गुणा दोस्तों वाई स्क्वायर से होगा तो ये क्या बन जाएगा, एक्स से वाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर है दोस्तों, हमने क्या किया, इस एक्स को पूरे इस मान से हमने गुणा कर दिया। फिर दोस्तों आगे इसका गुणा करते हैं, वाई किसका है, प्लस का। ये एक्स स्क्वायर किसका है, प्लस का, यानी इसका गुणा होगा तो मान किसका आएगा, प्लस का ही आएगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, प्लस है। फिर दोस्तों एक्स वाई का गुणा एक्स स्क्वायर से होगा तो दोस्तों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। आप इसको वाई एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्या करें, एक्स पहले आते हैं तो हमने एक्स को पहले लिख दिया। ठीक है, ये कोई यहाँ पे गलत नहीं होगा, आप किसी भी प्रकार से इसको लिख सकते हैं। फिर दोस्तों वाई का गुणा इससे होगा तो वाई किसका, प्लस का, यहाँ पे दोस्तों सिंबल किसका, माइनस का, तो प्लस का गुणा माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। एक्स का दोस्तों हम एक्स लिख देंगे, y का गुणा y से और होगा तो दोस्तों y की पावर एक, ये एक ये दोस्तों कितना बन जाएगा, वाई स्क्वायर बन जाएगा। ये y प्लस का, ये y भी प्लस का, तो यानी कि इसका आगे प्लस किसका आएगा, प्लस का आएगा। y का गुणा वाई स्क्वायर से होगा तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, वाई क्यूब बन जाएगा। आगे जो भी मान कट रहा है उसे काट देंगे, जो मान जुड़ रहा है उसे हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखेंगे कि कोई मान इसमें जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है, या कोई मान कट रहा है तो उसे हम काट देंगे। कैसे, ये दोस्तों एक्स की क्यूब है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है। ठीक है, तो यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है और ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है, तो यानी जिस प्रकार माइनस का दो और प्लस का दो होता है, इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है, जीरो आता है। ठीक, इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये कितना है, एक्स वाई स्क्वायर है, ये किसका, प्लस का है, ये किसका है दोस्तों, माइनस का है। जिस प्रकार हम प्लस तीन माइनस तीन इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आता है, जीरो आता है। तो यानी कि एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, यानी इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बचा आपका, एक्स क्यूब बचा, एक्स क्यूब किसका, कोई सिंबल नहीं है, यानी प्लस का है, तो हमने प्लस लिख दिया। आगे दोस्तों क्या बचा, वाई क्यूब बचा, वाई क्यूब के आगे दोस्तों सिंबल किसका, प्लस का, तो हमने प्लस लिख दिया। अब दोस्तों हमने इसको सोल्व किया है और हमें आंसर क्या मिला है, हमें आंसर मिला है एक्स क्यूब प्लस वाई की क्यूब। और दोस्तों राइट साइड में भी आपका कितना है, राइट साइड में भी यही है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, देख लीजिए एक्स का क्यूब वाई का क्यूब।
हमने इस मान को सोल्व किया तो दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, ये मान आ गया। और हमें यही तो स्थापित करना था, हमें बताना था कि दोनों मान बराबर है या नहीं है, हमें स्थापित करके बताना था। तो दोस्तों राइट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगी आपकी, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, ठीक है। राइट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। ये दोस्तों अपना मान क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। दोस्तों यहां पे हमें दिया गया है x माइनस वाई क्यूब, ठीक है। फिर दोस्तों बराबर में हमें दिया गया है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि हमें बताना कि ये दोनों मान बराबर है या नहीं। ये तो अपनी क्या होती है, राइट हैंड साइड। बराबर के दूसरी साइड वाली क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे सिद्ध करने के लिए, हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड अपनी क्या है, x माइनस वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दोस्तों ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। सिंपल क्या करना है दोस्तों, दोनों के ब्रैकेट है यानी दोनों मान क्या होंगे, गुणा होंगे। सबसे पहले इसका गुणा हम सभी से कर देते हैं, फिर हम y का गुणा सभी से कर देंगे। x का गुणा जब x से होगा तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा। किस प्रकार, x का गुणा x से होता है, एक्स स्क्वायर से होता है। तो यहाँ पे x की पावर कितनी, एक है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, दो है, तो यानी x की पावर कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको घातांक नियम में बताया था कि जब आधार समान होता है तो गुणा के अंदर घातें जुड़ती है, आधार समान है गुणा और है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ठीक है। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो एक्स का गुणा हम एक्स स्क्वायर से करते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा। इसी प्रकार x का गुणा आगे होगा तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो सिंबल किसका, प्लस का आएगा। x का गुणा x से होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आगे क्या है y, तो y का y लिख देंगे। प्लस का गुणा दोस्तों इससे होगा तो यानी ये भी प्लस, मान किसका, प्लस का। x का गुणा वाई स्क्वायर से होगा तो एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों हमें क्या करना है, वाई का गुणा इन सभी से करना है। तो y का गुणा करेंगे दोस्तों, ये आपको सारा का सारा बराबर में लिखना है, मेरे पास स्पेस ज्यादा नहीं है तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यानी कि ये माइनस का y है, इसका गुणा प्लस एक्स स्क्वायर से होगा, तो ये माइनस ये प्लस, तो यानी फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, माइनस का आएगा, एक्स स्क्वायर और y, ठीक है। आगे पीछे आप किसी भी प्रकार लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये माइनस का वाई है और ये प्लस का एक्स वाई है, ठीक। ये एक्स वाई और ये वाई, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, वाई स्क्वायर हो जाएगा। साथ में क्या है, एक्स भी है। ये प्लस ये माइनस, तो यानी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये दोस्तों माइनस का वाई है, ठीक। ये किसका है, प्लस का वाई स्क्वायर है, तो माइनस प्लस माइनस, वाई और वाई स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा। अब दोस्तों आगे इसको सोल्व करेंगे किस प्रकार, कि जो संख्या कट रही है उसे काट देंगे, जो संख्या जुड़ रही है उसे हम जोड़ देंगे। तो एक्स क्यूब का कोई और मान नहीं है, तो यानी न तो किसी में जुड़ेगा न किसी से घटेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे एक्स स्क्वायर वाई, हमें देखना है क्या ऐसा पद कोई और है क्या। तब आप बोलोगे सर हाँ ये रहा ऐसा का ऐसा एक पद है, लेकिन सिंबल चेंज है, यहाँ पे प्लस का ये माइनस का, तो यानी प्लस का ये और ये माइनस का, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे हमें दिया गया है एक्स वाई स्क्वायर, तो हम देखेंगे इस प्रकार का कोई पद और है क्या, ताकि हम जोड़ सके घटा सके। तब बोलोगे सर यहाँ पे एक पद तो है लेकिन चिन्ह अलग है इसका, ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दोस्तों ऊपर यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, एक्स क्यूब बचा, किसका, प्लस का। आगे क्या बचा दोस्तों, वाई क्यूब बचा, किसका, माइनस का। तो दोस्तों अब आप देख लीजिए कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिए, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व करते करते क्या बना दिया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बना दिया। और राइट साइड में भी दोस्तों हमें क्या दिया गया, एक्स क्यूब ये दिया गया था, और लेफ्ट साइड में भी दोस्तों क्या आ गया, ये आ गया। राइट साइड में ये हमें दिया गया था और लेफ्ट साइड को भी हमने इस प्रकार बना दिया। तो क्या आप बता सकते हैं कि दोनों मान ये बराबर है या नहीं, तब आप बोलोगे सर दोनों साइड बराबर है, तो यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है दोस्तों, आपकी बराबर हो गई। ये तो दोस्तों हमें सिद्ध करके बताना, तो ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 अपना कंप्लीट हो गया है। होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे अगर आप पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो भी पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।